अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसैक 60, और यहाँ है सैक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल से देख के वैल्यू भरेंगे। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद है, आप टेबल से देख के भर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, प्लस का प्लस, 10 45 की वैल्यू क्या है 1, माइनस का माइनस, कोसैक 60 की वैल्यू क्या है 2/√3, सैक 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, प्लस का प्लस, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस का प्लस, कॉट 45 की वैल्यू क्या है 1। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डेनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या एलसीएम होगा, आप डायरेक्ट जो डेनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, क्या आएगा 2√3। अब इसमें हम कैसे देखते हैं कितने पे आएगा, कितने टेबल पे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। पहले बेसिक बताऊंगी फिर ट्रिक बताऊंगी। तो 2 की टेबल में कब आता है 2√3, तो दो चीज मल्टीप्लाई में यहाँ पे और यहाँ पे एक है, तो क्या बचा यहाँ पे √3। इट मीन्स 2 की टेबल में √3 पे ये आता है, तो हमें पता चल गया कि √3 पे आता है। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे आ जाएगा √3, प्लस का प्लस। अब आपको पता ही है 1 की टेबल में जिससे मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो 1 को अगर हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा। तो इतने पे हमारा क्या आता है 2√3 आता है 1 की टेबल पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ जाएगा हमारा 2√3। अब माइनस का माइनस, अब √3 की टेबल में 2√3 कब आता है, दो नंबर है यहाँ पे 2 और √3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 पे आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से, आ गया 4। तो ये था बेसिक मेथड जिससे मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखते हैं कि कितने टेबल पे आता है। अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक कि आपको देखने ना पड़े। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, मैंने कहा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2√3, सेम एलसीएम आया है। तो इधर देखो √3 से √3 छुप गया, क्या बचा 2, तो इट मीन्स 2 पे आया है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, 2 2 जा 4। सेम यहाँ पे भी 2 है, 2 छुपा दो, क्या बचा √3, इस √3 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, तो √3 बन जा √3। 1 में तो मैंने आपको बताया था सेम, तो 2√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, आ जाएगा 2√3। तो आपने देखा होगा न्यूमरेटर में कितना टाइम लगा और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो ये था बेसिक मेथड ताकि आपको पता चले कि वो चीज़ क्यों आई है और यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है क्वेश्चन करते वक्त। इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो ये चीज़ प्लस हो रही है, सेम रूट होता है तो प्लस हो जाता है, इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2+1 3, तो कितने रूट हो गए, 3√3 हो गए, -4। और नीचे हमारा क्या था, सेम यहाँ पे भी 2+1 3, तो 3√3 हो गए प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, तो जो डेनोमिनेटर में होगा उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमने इसको उल्टा लिख दिया, तो इससे पूरा ये कट गया, क्या बचा 3√3 - 4, 3√3 + 4। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे।
मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था रैशनलाइज कैसे करेंगे। सेम लिखने के बाद जो डेनोमिनेटर होगा उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये हो गया a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहां देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहां फॉर्मूला लिख देती हूं, a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम थे तो स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या था a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग गया, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पीछे जो मैंने लिखा है मैं इसको सेम लिख देती हूँ यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर है इट मीन जो इसके अंदर लिखा वो दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री इंटू थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा तो इसे भी एक्सपेंड कर देती हूँ मैं, थ्री इंटू थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर रूट थ्री, थ्री थ्री जा नाइन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, माइनस सिक्सटीन। यहाँ पे भी थ्री थ्री जा नाइन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री, ट्वेंटी सेवन में सिक्सटीन गया तो सेवन में सिक्स गया वन, टू में से वन गया वन। यहाँ पे प्लस करेंगे, सेवन में प्लस किया सिक्स थर्टीन, कैरी आ गया टू थ्री फोर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये भी इजी है अगर आपको एक बार ग्रिप पड़ जाएगा तो। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो इस वीडियो में तो इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।